बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं बनाऊंगी अरवी का सालन। अरवी गोश्त तो बनता रहता है, चिकन डाल लें आप, बीफ डाल लें, कुछ भी डाल लें, लेकिन आज मैं सिर्फ अरवी बनाऊंगी। ये भी बहुत मज़े का सालन बनता है। ये अरवी मैंने इतने इतने पीस में मैंने काट ली है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज मैंने काटा है और टमाटर है। तो एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, आप अरबी को इसमें डालते हैं हम, और इसको हम तकरीबन 70% तक हम इसको कुक करेंगे, इसमें फ्राई करेंगे, साथ साथ अरबी हम फ्राई करेंगे। और साथ मैंने एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं प्याज डालती हूँ, और इसको लाइट ब्राउन सा मैं इसको कलर दूंगी, और फिर इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। इसमें ऑयल में फ्राई करने से ये होगा कि इसमें लेस वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे मैंने अरवी काटी थी, और आप कोशिश करें कि अरवी थोड़ी सी उसका साइज एक जितना हो, ये ना हो एक तरफ से बारीक हो और एक तरफ से मोटी हो, वो थोड़ा फिर गलने में प्रॉब्लम करती है। तो इसको जब मैंने काटा तो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने आटा डाला, और 1/2 टी स्पून मैंने नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने मसल लिया, और फिर इसको मैंने वॉश कर लिया था। इससे ये होती है कि लेस जो होती है इसके अंदर एक, वो ख़त्म हो जाती है। प्याज अब हम जितने ब्राउन हमने करने थे कर लिए हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, और इसको 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे। अरवी भी हमने फ्राई करके रख लिया, और ये अच्छी खासी नरम हो चुकी है, जो देखें। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करती हूँ। मसाले, ये 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च है, और 1/2 टीस्पून हल्दी है। ये भी इसमें ऐड करेंगे हम, और मसालों को हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। अब ये 2 से 3 मिनट मैंने तकरीबन मसालों को भूना है। अब इसमें हम अरवी ऐड करेंगे, और अरवी को हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। इसको आप 8 से 10 मिनट आप अच्छी तरह भूनें। अब इसमें मैं ये 1/2 टी स्पून काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया है, और 1/2 टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर है, ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी, और इसको 2 से 3 मिनट मैं भूनूंगी, और फिर हमारी अरवी का सालन तैयार हो जाएगा। अब जो मसाले मैंने ऐड किए हैं उसको मैंने 2-3 मिनट तकरीबन भून लिया है। अब जो 2 से 3 अदर मैंने सब्ज़ मिर्च काटी है उसको इसमें ऐड कर दिया। अब ये माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा अरवी का सालन तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।